नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरु जी। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, नए पैटर्न का था, और उससे रिलेटेड तीन अलग अलग क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए थे जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करना था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों कि आप सभी ने कोशिश की और मैक्सिमम लोगों ने तीन में से दो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिया है। और अभी जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर चुका हूँ, तो अभी तक मैं दो लोगों ने तीनों क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, तो उन दो लोगों का मैं नाम लेना चाहूँगा। पहले हैं प्रशांत कुमार और दूसरे हैं मुन्ना कुमार पंडित। तो प्रशांत और मुन्ना, आप दोनों को वेल डन, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने तीनों क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। और जिन लोगों ने तीन में से दो क्वेश्चन का भी सही जवाब दिया है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह का नया पैटर्न जो कि सभी लोग पहली बार देख रहे हैं, इस तरह के पैटर्न पे आपने कोशिश की, ट्राई किया और तीन में से दो क्वेश्चन का सही जवाब दिया, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो निराश नहीं होना है, आप लोगों ने भी बहुत ही अच्छा ट्राई किया है। चलिए अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना था, क्या अप्रोच होनी चाहिए थी। तो क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ चुके हों, एक बार देख लेते हैं कि एक कंट्री में डिफरेंट ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ठीक है, जैसे तीन रेड लाइट का मतलब है स्टॉप, दो रेड लाइट का मतलब है टर्न लेफ्ट, तो ये हमें डायरेक्शन दिए गए हैं, ठीक है। वन ग्रीन लाइट नीचे में है, उसका मतलब है कि गो एट 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड, यानी कि वन ग्रीन लाइट का मतलब ये होगा कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना है, ठीक है। चलिए अब आगे बोला गया है, ए मोटरिस्ट स्टार्ट एट ए पॉइंट ऑन रोड एंड फॉलोज ऑल ट्रैफिक सिग्नल्स, लिटरली हिज कार इज हेडिंग टुवर्ड्स साउथ, ही इनकाउंटर्स द फॉलोइंग सिग्नल्स। बोला गया है कि अब एक आदमी जो है वो कार लेकर निकलता है और जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उन सभी ट्रैफिक सिग्नल्स को वो फॉलो करता है, ठीक है, और जिस टाइम पे वो कार लेकर निकलता है यानी कि अपना स्टार्टिंग पॉइंट से जब वो आगे बढ़ेगा तो वो साउथ की डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि वो साउथ की डायरेक्शन में ही फेस करते हुए आगे बढ़ेगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। ये चीज़ क्लियर कर दी गई है। और बोला गया है एक ब्रैकेट में, द टाइम मेंशन्ड इन ईच केस बिलो इज एप्लीकेबल आफ्टर क्रॉसिंग द प्रीवियस सिग्नल, यानी कि देखो, कहने का यह मतलब है कि जो भी टाइम के बारे में बोला गया है नीचे में, वो पिछले सिग्नल के बाद के लिए है। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट से वो एक ग्रीन लाइट मिलती है, उसके बाद बोला गया है कि आफ्टर हाफ एन आवर, यानी कि एक ग्रीन लाइट मिली उसके बाद वो आधे घंटे तक चलता रहा, उसके बाद उसे फर्स्ट सिग्नल मिलता है। समझ में आ गया, यानी कि ये जो आधा घंटा का टाइम है वो पहले, उससे पहले जो एक ग्रीन लाइट मिली थी स्टार्टिंग पॉइंट पे, वहाँ से उसने आधे घंटे बढ़ा और तब उसे पहली सिग्नल मिली। ये चीज़ है, समझ में आ गया, यही बोला गया है। तो चलिए अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना था। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है हमें, यहाँ पर हम इस तरीके से डायरेक्शन दे देते हैं, ये तो आपको पता ही है। देखो, यहाँ पर हमारा नॉर्थ होगा, फिर साउथ होगा, ठीक है, ईस्ट होगा, और यहाँ पर फिर वेस्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ये चीज़, ये तो करना ही होता है डायरेक्शन सेंस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है स्टार्टिंग पॉइंट वन ग्रीन लाइट, यानी कि जब स्टार्टिंग पॉइंट होती है तो उसे एक ग्रीन लाइट के साथ स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मान के चलो कि यहाँ पर हम स्टार्टिंग पॉइंट अपना लेते हैं इस प्लेस पर, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो जाहिर सी बात है बोला गया था कि साउथ की डायरेक्शन में ही आगे बढ़ेगा, तो साउथ का डायरेक्शन हमारा ये है, इस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब सिग्नल को देखते हैं, वन ग्रीन लाइट, वन ग्रीन लाइट का मतलब है गो एट 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि यहाँ से वो 20 km/h की स्पीड से आगे बढ़ता है, 20 km/h की स्पीड से आगे बढ़ता है, लेकिन कितना देर तक चलेगा वो हमें आगे पढ़ना है। आफ्टर हाफ एन आवर, यानी कि यहाँ से वो 20 km/h की स्पीड से आधे घंटे तक चला, तब उसे पहला सिग्नल मिला। समझ में आ गया, यानी कि यहाँ से वो आधे घंटे 30 मिनट तक चलेगा। अब देखो, सिंपल टाइम एंड स्पीड का फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पर आपको टाइम भी पता है, स्पीड भी पता है, तो डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हो। डिस्टेंस कितना होगा, 30 मिनट तक अगर वो 20 km/h की स्पीड से चलेगा तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस वो तय करेगा, है ना। तो यहाँ से ये साउथ की डायरेक्शन में इस तरीके से आगे बढ़ा और 10 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया, ठीक है, यहाँ पर रुक गया। अब यहाँ पर उसे कितना नंबर का सिग्नल मिला, यहाँ पर उसे पहले नंबर का सिग्नल मिला, ये हमारा पहला सिग्नल है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि फर्स्ट सिग्नल से, फर्स्ट सिग्नल पे ध्यान देना, फर्स्ट सिग्नल से वो दो रेड एंड दो ग्रीन लाइट, टू रेड एंड टू ग्रीन लाइट, तो टू रेड का क्या मतलब होता है, टर्न लेफ्ट, यहाँ से वो लेफ्ट की ओर टर्न लेगा, लेफ्ट इसका इस तरफ जाएगा, है ना, साउथ की डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इसका लेफ्ट इस तरफ जाएगा, इस तरफ में वो जाता है। उसके बाद टू ग्रीन लाइट्स,
और टू ग्रीन लाइट्स का क्या मतलब है, 40 km/h की स्पीड से, यानी कि इधर वो जाएगा, इधर वो कितने स्पीड से जाएगा, 40 km/h की स्पीड से, ठीक है। और कितनी देर तक चलता है वो हम आगे देख लेते हैं। आगे पता है आफ्टर 15 मिनट सेकेंड सिग्नल, यानी कि यहाँ से वो इस स्पीड से 15 मिनट तक चलेगा, ठीक है। अब वही चीज़ है, देखो आपको टाइम पता है, स्पीड पता है, डिस्टेंस निकाल लोगे, 15 मिनट तक वो 40 km/h की स्पीड से चलेगा तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेगा, है ना। तो यहाँ से ये यहाँ तक मानते हैं 10 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर लिया इसने। ये हमारा कौन सा सिग्नल हुआ, ये हमारा सेकेंड सिग्नल हुआ, ठीक है। अब सेकेंड सिग्नल पे कौन सी ट्रैफिक लाइट मिलती है वो देखेंगे, वन रेड लाइट, यहाँ से उसे वन रेड लाइट मिलती है। और वन रेड लाइट का मतलब होता है टर्न राइट, यहाँ से वो राइट टर्न लेगा, ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। अब कितनी स्पीड से वो हमें नहीं बताया गया है, ठीक है, यहाँ से हमें स्पीड के बारे में नहीं बताया गया है, सिर्फ बताया गया है कि वो राइट टर्न लेगा। तो देखो जब स्पीड के बारे में नहीं बताई गई है और आगे बढ़ते हैं, टाइम बोला गया है, हाँ आफ्टर हाफ एन आवर थर्ड सिग्नल, यानी कि यहाँ से वो राइट टर्न लेता है और आधे घंटे तक चलता है, यानी कि 30 मिनट तक चला, तब उसे मिलता है थर्ड सिग्नल। तो जाहिर सी बात है जब स्पीड की बात नहीं की गई है तो यहाँ पहुँचने से पहले जो उसकी स्पीड थी वही स्पीड वो यहाँ भी कंटिन्यू रखेगा, ठीक है, मतलब अपनी स्पीड में वो चेंजिंग नहीं लाएगा, जो स्पीड हम यहाँ पर थी वही स्पीड भी हम यहाँ पर भी मानकर चलेंगे। तो यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी थी, 40 km/h की थी, तो यहाँ भी उसकी स्पीड कितनी होगी, 40 km/h की ही होगी, ठीक है, 40 km/h। तो देखो अब वही चीज़ है, अगर 30 मिनट तक वो 40 km/h की स्पीड से चलेगा तो कितने किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेगा, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेगा, यानी कि वो यहाँ से 20 किलोमीटर तक आगे बढ़ता है, ठीक है, ये हम 20 किलोमीटर मानते हैं, ये हमारा 20 किलोमीटर है। और ये हमारा कौन सा सिग्नल हो जाएगा, ये हमारा थर्ड सिग्नल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर वो क्या करता है, यहाँ से हमें लाइट मिलती है वन रेड एंड थ्री ग्रीन लाइट। तो वन रेड का क्या मतलब है, वन रेड का मतलब है टर्न राइट, यहाँ से भी वो राइट ही टर्न लेगा, यानी कि इस तरफ आगे बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा राइट की ओर, ठीक है। और थ्री ग्रीन लाइट, तीन ग्रीन लाइट का क्या मतलब है, गो एट 100 km/h, यानी कि यहाँ से वो इस तरफ जाता है और 100 km/h की स्पीड से चलता है, ठीक है। अब कितने देर तक चलता है वो आगे पढ़ेंगे, 24 मिनट तक, यानी कि यहाँ से वो 100 km/h की स्पीड से जो चलना स्टार्ट करता है वो यहाँ से 24 मिनट तक चलता है, ठीक है, 24 मिनट तक। तो जाहिर सी बात है 24 मिनट तक वो 100 km/h की स्पीड से चलेगा तो कितना डिस्टेंस तय कर लेगा, 40 किलोमीटर, वो 40 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर लेगा इस डायरेक्शन में, 40 किलोमीटर, ठीक है। तो एकदम सीधे बढ़ाना है, सीधे इस डायरेक्शन में, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक मान लेते हैं, ये हमारा 40 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ भी ध्यान में रखना कि इसके जस्ट सीध में, ठीक है, इसके जस्ट सीध में यहाँ पर यहाँ तक हमारा 10 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 30 किलोमीटर का होगा, और ये जो टोटल डिस्टेंस होगी ये हमारी 40 किलोमीटर की होगी, ठीक है, ये हमारी 40 किलोमीटर है। और यहाँ पर हमारा कौन सा सिग्नल मिलता है उसे, यहाँ पर हमें सिग्नल नंबर 5 मिलता, ओ सॉरी यहाँ पर 3 था, तो यहाँ पर हमें सिग्नल नंबर 4 मिल जाता है, ठीक है, ये हमारा फोर्थ सिग्नल है। चलिए अब फोर्थ सिग्नल पे पहुँचने के बाद वो कौन सा लाइट मिलता है उसको, टू रेड एंड टू ग्रीन लाइट। तो टू रेड का क्या मतलब है, टू रेड का मतलब होता है टर्न लेफ्ट, तो यहाँ से वो अपने लेफ्ट की ओर टर्न लेगा, यानी कि इस तरफ टर्न लेगा, ठीक है, इस तरफ टर्न लेगा। तो इस तरफ टर्न लेने के बाद फिर उसे टू ग्रीन लाइट, तो टू ग्रीन लाइट का क्या मतलब है, 40 km/h की स्पीड से, तो इस डायरेक्शन में जाकर वो 40 km/h की स्पीड से आगे बढ़ता है, ठीक है, 40 km/h लिख देते हैं यहाँ पर। और 40 km/h से बढ़ता है तो कितनी देर तक चलता है, आफ्टर 15 मिनट्स फिफ्थ सिग्नल, यानी कि यहाँ से वो 40 km/h की स्पीड से 15 मिनट तक चलता है, ठीक है। तो देखो 15 मिनट तक वो 40 km/h की स्पीड से चलेगा तो कितना डिस्टेंस तय करेगा, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करेगा, है ना। तो यहाँ से वो आगे बढ़ता है और ये जो है यहाँ तक पहुँचता है और यहाँ पर उसे फिफ्थ सिग्नल मिलता है और ये डिस्टेंस उसने 10 किलोमीटर की तय की है, ठीक है। तो अब फिफ्थ सिग्नल पे क्या बोला गया है, थ्री रेड लाइट्स, थ्री रेड लाइट्स का क्या मतलब है, थ्री रेड लाइट का मतलब है स्टॉप, यानी कि यहाँ पर आकर वो स्टॉप कर जाता है, ठीक है, स्टॉप, इस प्लेस पर आकर रुक गया, स्टॉप कर गया। यहाँ से उसने चलना शुरू किया था साउथ के डायरेक्शन में और लास्ट में वो पांचवें सिग्नल पे आकर
रुक गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये हमारा पांचवा सिग्नल है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ये डायरेक्शन का जो था हमारा ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको यहाँ तक समझने में। तो अब क्वेश्चन नंबर एक की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एक में बोला गया है द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मोटरिस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टिल द लास्ट सिग्नल, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या है, ये है। तो यहाँ से जो वो चलना शुरू किया था और लास्ट सिग्नल यहाँ पर है, यहाँ तक में उसने डायरेक्ट कितनी दूरी तय की होगी, कितना डिस्टेंस तय किया होगा, वो चीज़ पूछी जा रही है। ध्यान रखिएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछा गया है, कुल टोटल डिस्टेंस पूछी गई है, ठीक है। यानी कि जो ये 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर और 10 किलोमीटर ये है, हमें इसी को ऐड कर देना है और हमारा आंसर होगा। ऐड कर दो 10, 10, 20, 40, 40, 80 और 10, 90, यानी कि क्वेश्चन नंबर एक का आंसर होगा 90 km, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दो में बोला गया है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मोटरिस्ट फ्रॉम द सेकेंड सिग्नल टिल द सेकेंड लास्ट सिग्नल। तो यानी कि सेकेंड सिग्नल हमारा कौन सा है, यहाँ पर देख लो, ये हमारा सेकेंड सिग्नल है, आप देख सकते हो। तो यहाँ से सेकेंड लास्ट सिग्नल कौन सा होगा, टोटल हमें पाँच सिग्नल हैं, तो सेकेंड लास्ट सिग्नल हमारा फोर्थ सिग्नल होगा, तो फोर्थ सिग्नल हमारा यहाँ है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमसे पूछी गई है। तो देखो यहाँ से वो चलना स्टार्ट किया तो यहाँ तक पहुँचा 20 किलोमीटर और यहाँ से फिर यहाँ तक में उसने 40 किलोमीटर किया है, तो 20 प्लस 40 कितना होगा 60 किलोमीटर, यानी कि इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी 60 किलोमीटर, ठीक है 60 किलोमीटर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ एट स्टार्टिंग पॉइंट द कार वर हेडेड टुवर्ड्स वेस्ट देन व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्थ सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सिग्नल। देखो कहने का मतलब ये है कि हमें क्या पता था कि यहाँ से वो साउथ की डायरेक्शन में बढ़ना शुरू किया था, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि वो साउथ में नहीं बढ़कर अगर वेस्ट की ओर बढ़ता, ठीक है, अगर वेस्ट की ओर बढ़ता तो चौथा सिग्नल जो है वो पहले सिग्नल के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में हमें इसका डायरेक्शन पता करना है, कब, जब ये साउथ की ओर नहीं बढ़कर वेस्ट की ओर बढ़ता, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर में हमें इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको टच भी नहीं करना है, हमें क्या करना है, बस हमारा जो ये कंपास है हमें इस कंपास को मूव करना है, ठीक है, इस कंपास को ही मूव करना है। क्या बोल रहे हैं कि ये वेस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे, इधर बढ़ रहा है तो इधर हम वेस्ट लिख देंगे, ठीक है, इधर वेस्ट लिखेंगे। यहाँ से देखो वेस्ट हमारा नीचे आया है, उसके बाद इधर साउथ है तो साउथ हमारा इधर चले जाएगा, फिर देखो ईस्ट है तो ईस्ट हमारा यहाँ आ जाएगा, उसके बाद देखो नॉर्थ है तो नॉर्थ हमारा यहाँ आ जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस इस कंपास को घुमा दिया है जो डायरेक्शन बोली गई थी उस डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो अब इस कंपास को देखकर हम आंसर निकाल लेंगे। आंसर कैसे निकालेंगे, हमसे क्या पूछा गया था इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सा डायरेक्शन है, तो देखो यही चीज़ हम यहाँ पर देख लेंगे, इस तरफ गया है, ठीक है, इस तरफ गया है, यानी कि इस तरफ, ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसके डायरेक्शन रिस्पेक्ट में इसका डायरेक्शन पता करना था, यानी कि इस तरफ आगे बढ़ा है तो इसी में हम इस तरफ देख लेंगे, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, इसका आंसर आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीन का, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और वीडियो भी पसंद आया होगा, क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन हमें नितिन नयन ने भेजा था, सो थैंक यू नितिन हमारे साथ इस बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को शेयर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।